दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल अल मारूफ वेला बाबा और आज हाजिर हुआ हूं कैनेडियन इमिग्रेशन की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है, उस में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हैं और ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम कैसे काम करता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए 100 पॉइंट्स हैं, जबकि वही प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में भी शामिल है, जबकि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के जो पॉइंट्स हैं वो है 1200। इनका जो डिस्टिंक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस दौरान मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, ये अक्सर यूज़ होता रहता है, और इसकी इक्विवेलेंसी आइलेट्स में क्या है, क्योंकि बैक होम हम ज़्यादा आइलेट्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए काम आ सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे इंट्रो में बताया कि हम जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे उसमें नंबर वन है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में कौन से सब प्रोग्राम शामिल हैं। तीसरे नंबर पे आएगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम काम कैसे करता है। चौथे नंबर पे कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में फ़र्क क्या है और इनके पॉइंट्स क्या हैं। पाँचवें नंबर पे होगा कि एक्सप्रेस एंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और छठे नंबर पे, लास्ट पे हम ये चेक करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री का जो एलिजिबिलिटी है वो हम ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ये बेसिकली कैनेडियन इमिग्रेशन ने ऑनलाइन एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर अपनी एप्लीकेशंस अपलोड करते हैं और ये स्किल्ड वर्कर और क्वालिफाइड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पूल में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली इसमें तीन प्रोग्राम शामिल हैं, एक है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, दूसरा है फेडरल स्किल्ड टेक्निकल प्रोग्राम और तीसरा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इन तीनों प्रोग्राम के जो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं और वो एक पूल की शेप में बन जाता है। बेसिकली FSW के 100 पॉइंट्स हैं, जिसमें अगर आप 67 प्लस पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं डायरेक्ट PR एप्लीकेशन के लिए। और इसके जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इनमें कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका अगर आप सम अप करें तो 100 बनते हैं। दूसरे नंबर पे है कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, इसके 1200 पॉइंट्स हैं और ये बेसिकली तमाम एप्लीकेशन एक पूल की शक्ल में होते हैं और उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स लेने वाले होते हैं उनको सिलेक्ट करके ITA भेज दिया जाता है। ITA मींस इनविटेशन टू अप्लाई फॉर PR। इन पॉइंट्स की डिटेल भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली इसके चार स्टेप हैं। स्टेप नंबर वन में आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद स्टेप नंबर टू में आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपने जमा करके उनको रेडी करना है। स्टेप नंबर थ्री में आपने अपना प्रोफाइल ऑनलाइन सबमिट करना है और स्टेप नंबर फोर में एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद प्रोसेस होंगी और अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो आपको इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर PR ये आपको रिसीव हो जाएगा। आपने विद इन 60 डेज अप्लाई करना है PR कार्ड के लिए।
इसमें बेसिकली दो एब्रीवेशन हम यूज़ करेंगे, उसमें एक तो है CLB जिससे बनता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, और दूसरा हम यूज़ करेंगे NOC, NOC कोड, ये बनता है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड। और इसमें जो बेसिक NOC हैं वो हैं NOC O मैनेजमेंट जॉब्स के बारे में है, NOC A प्रोफेशनल जॉब जिसके लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है, NOC B जो टेक्निकल जॉब और उसके लिए डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, NOC C इंटरमीडिएट जॉब जिसके लिए हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, और एडिशनल आपको मैं बता दूँ NOC D NOC D जो लेबर जॉब्स और जिसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। सो बेसिकली हम डील करेंगे NOC O, NOC A, NOC B। सबसे पहले वेरिएबल है लैंग्वेज, क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज। अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए CLB 7 होना चाहिए फॉर NOC O और A, CLB 5 होना चाहिए फॉर NOC B। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए CLB 7 होना चाहिए, फेडरल स्किल्ड टेक्निकल प्रोग्राम के लिए CLB 5 होना चाहिए स्पीकिंग एंड लिसनिंग के लिए, CLB 4 होना चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। आप क्राइटेरिया फॉर एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कनाडा में आपने काम किया हो NOC O, A या B में। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी हो सकता है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है NOC O, A, B। और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैनेडियन या इंटरनेशनल, और इसका जो NOC है वो B है। क्राइटेरिया फॉर जॉब ऑफर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आपको एज हासिल होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फेडरल स्किल्ड टेक्निकल प्रोग्राम के लिए आपके पास जॉब ऑफर होना ज़रूरी है और साथ में कैनेडियन प्रोविंशियल अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेशन भी आपके पास मौजूद हो। अब है जनाब क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एजुकेशन ज़रूरत नहीं है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए आपके पास कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर हायर एजुकेशन है तो आपको उसके नंबर मिल सकते हैं। और फेडरल स्किल्ड टेक्निकल प्रोग्राम के लिए एजुकेशन ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वो देखें कि आपकी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वो होनी चाहिए। दोस्तों आपकी सहूलत के लिए ये एक मैं कंपैरिजन पेश कर रहा हूँ, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क वर्सेस आइलेट्स। इसकी ये देखिए, ये बेसिक हैं, ये इंटरमीडिएट रैंकिंग है और ये एडवांस कैटेगरी है। तो इसको प्लीज़ पास करके इसका स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि ये ऑनलाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप ऑनलाइन 10 क्वेश्चन हैं इसको आंसर करेंगे तो आपको क्वेश्चनियर के एंड में मालूम हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये 3 प्रोग्राम जिसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, इन तीनों के अलग से क्राइटेरिया बने हुए हैं, उनमें आप जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 10 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिसका आपने आंसर देना है, यानी कि ये मेथड नंबर 1। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर टू स्टे इन कैनेडा, आप ओंटारियो में रहना पसंद करेंगे,
نووا اسکاشیا میں، البرٹا، برٹش کولمبیا وغیرہ میں. دوسرے نمبر پہ کوسچن آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی لینگویج کے بارے میں، کہ آپ کا لینگویج کا اسکور کیا ہے، انگلش کا اور فرینچ کا. تو انگلش کا آئیلٹ کا جو اسکور ہے اس کو ہم میجک نمبر کہتے ہیں، وہ ہے 8777. 8 ہے آپ کا لسننگ کا اور 777 وہ آپ کے ہیں ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ کا. پھر تیسرے نمبر پہ فرینچ لینگویج اگر آپ کو آتی ہے اس کے بارے میں کوسچن ہوگا. اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کا ایکسپیرئنس اسپیسیفک نوک کوڈ میں کیا ہے. نیکسٹ کوسچن ہوگا کینیڈین ایکسپیرئنس اف اینی. تو اگر آپ کا کوئی کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کا کوئی جاب تھا ڈیورنگ ورک پرمٹ یا اسٹڈی پرمٹ، تو وہ آپ نے شو کرنا ہے. پھر کوسچن ہوگا کہ کینیڈین اتھارٹی سے کوئی آپ نے سرٹیفیکیشن لی ہے، اس کے بارے میں آپ نے آنسر کرنا ہے. نیکسٹ کوسچن ہوگا یہ کہ آپ جب کینیڈا آئیں گے تو کتنے پیسے ساتھ میں لائیں گے. فار ایگزامپل کینیڈین ڈالر 13,000 پلس، تو یہ آپ نے شو کرنے ہیں، بتانے ہیں کہ کتنے پیسے لائیں گے. پھر فیملی ممبرس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اکیلے آئیں گے، اسپاؤس کے ساتھ آئیں گے یا کتنے فیملی ممبر ہوں گے. کیا آپ کے پاس جاب آفر موجود ہے اور جاب آفر ویلڈ ہونی چاہیے. اور لاسٹ پہ آپ سے کوسچن کریں گے کہ کیا آپ کرنٹلی کینیڈا میں قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ سے پوچھی جائے گی. اس کے بعد آپ کا کوسچنئر ختم ہو جائے گا اور جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کا ریزلٹ پیج جنریٹ ہو جائے گا. اس میں یہ یونیک کوڈ اس طرح کا یہ کریٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ بتایا جائے گا کہ فردر اسٹیپس ٹو فالو کیا ہیں. تو دوستو تھینک یو ویری مچ میرے ساتھ رہنے کا. آپ کو کوئی کوئری ہو، کوئی ویڈیو کینیڈین امیگریشن کے بارے میں دیکھنا چاہتی ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ وہ لے کے حاضر ہوں. سو فرینڈز، آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی نیئر ون کو، کسی ڈیئر ون کو اس کی ضرورت ہو. تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.